ये सर पर जी बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन का जनवरी वायदा देख रहे हैं 6400 पर ट्रेड करते नजर आ रहा है। रूपा जी, हमने बीते कारोबारी सप्ताह भी देखा था कि सोयाबीन 6400 के लेवल्स टच कर चुकी थी, फिर से सोयाबीन में तेजी देखने को मिली थी, निचले स्तर से बाइंग इनिशिएट हुई थी। यूएस सोयाबीन की बात करें तो यूएस सोयाबीन 1399 पर ट्रेड करती नजर आ रही है, हालांकि लाल निशान पर है, लेकिन जो लेवल है 1399 देखने को मिला है, पहले के मुकाबले ज़्यादा ही देखने को मिला है। ऐसे में आपको क्या लगता है, जैसे कि वैश्विक बाजार में देख रहे हैं कि सोयाबीन में लगातार तेजी है, अर्जेंटीना और ब्राज़ील में जो मौसम है वो ख़राब बताया जा रहा है कि वहाँ पे हीट वेव फिर से इम्पैक्ट करती नज़र आ सकती है सोयाबीन की फसलों को, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम रह सकता है। ऐसे में आगे जाके सोयाबीन के लेवल्स क्या रह सकते हैं, क्या सोयाबीन में फिर से तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए, अभी जो बाजार बनता हुआ दिखाई दे रहा है, फिलहाल की जो तेजी हम जनवरी वायदा में देख रहे हैं वो 6500 तक की, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि 6500 तक एक अपसाइड बनता हुआ दिखाई दे सकता है, और इसके बाद अगले वायदा एक्सपायर हो जाएंगे और हाजिर मंडियों में इसका इम्पैक्ट फिर आता हुआ दिखाई देगा और बाजार जो है वो सुस्ती के साथ कारोबार करते दिखाई देंगे। विदेशी बाजारों का जरूर असर आता हुआ दिखाई दे रहा है डोमेस्टिक मार्केट पर, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा बाजार संभले हुए हैं और 6400 मैक्सिमम एक बार अपसाइड लग रहा है कि यहाँ से देखने को सकता है, यानी कि करंट भाव से मान के चलिए 100 से 150 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी,